हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन क्लास। टुडे वी शैल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सप्लेनेशंस ऑफ लेसन नंबर 2, ए फेलो ट्रेवलर, रिटन बाय ए जी गार्डिनर। ए जी गार्डिनर वॉज ए ग्रेट एंड फेमस एसेइस्ट ऑफ इंग्लैंड। He wrote most of his essays under the pen name Alpha of the Pillow. The present lesson, A Fellow Traveler, is taken from his famous book Leaves of the Wind. In your board exams, a question is asked to write the explanation with reference to the context of the given paragraph. Total 8 marks are fixed for writing the explanation with reference to the context of the given paragraph. So it is very important to you to write the answer of this question for getting good and meritorious marks in your board exam. Today we shall study how to write the explanation in your board exam. Now let's start. Now you can see the explanation number 1 on your screens. Explanation number 1. There is a pleasant se lekar anything you like tak. फर्स्ट पॉइंट है रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स संदर्भ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर, पार्ट ए फेलो ट्रेवलर से, रिटन बाय ए जी गार्डिनर, ए जी गार्डिनर द्वारा लिखित। ये पंक्तियां ए जी गार्डिनर द्वारा लिखित पाठ ए फेलो ट्रेवलर से ली गई हैं। इस लेसन के सभी एक्सप्लेनेशंस में यही रेफरेंस रहेगा। रेफरेंस लिखने के लिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। रेफरेंस देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि स्टूडेंट ने कितनी तैयारी की है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मींस प्रसंग। हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स, यहां लेखक वर्णन करता है द एडवांटेज, फायदों का, ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने पर, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेलवे कंपार्टमेंट में या एक रेल के डिब्बे में। यहां लेखक एक रेल के डिब्बे में अकेले होने के फायदों का वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट ही फील्स ए ग्रेट हैप्पीनेस, कि वह एक महान खुशी महसूस करता है, यानी बहुत खुशी महसूस करता है, एंड प्लेजर और आनंद महसूस करता है, फॉर बीइंग अलोन, अकेले होने पर, इन ए कंपार्टमेंट, एक डब्बे में, ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन के। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वह बहुत खुशी और आनंद महसूस करता है एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने पर। According to the writer, लेखक के अनुसार it is a great experience, एक महान अनुभव होता है, to a person, एक व्यक्ति के लिए, to travel alone, अकेले यात्रा करने पर, in a compartment, एक डब्बे में, which is moving, जो गति कर रहा होता है, with jerks, झटकों के साथ, and much noise, और बहुत अधिक शोर के साथ, in the night, रात में।
लेखक के अनुसार एक व्यक्ति के लिए एक डब्बे में अकेले यात्रा करने का महान अनुभव होता है, जो कि रात में झटके लेते हुए और बहुत तेज आवाज करते हुए गति कर रहा होता है। वी शुड एंजॉय सच ए सिचुएशन, वी शुड एंजॉय, हमें आनंद उठाना चाहिए सच ए सिचुएशन, ऐसी एक स्थिति का, हमें ऐसी एक स्थिति का आनंद उठाना चाहिए। सच ए सिचुएशन गिव्स अस, ऐसी एक स्थिति हमको देती है द प्लेजर, आनंद ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का, ऐसी एक स्थिति हमें स्वतंत्रता का आनंद देती है। एंड दिस लिबर्टी इज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और ये स्वतंत्रता बिना किसी बाधा के होती है। वी आर फ्री टू बिहेव, हम व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। एनी वे, किसी भी तरीके से, हम किसी भी तरीके से व्यवहार करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। वी आर फ्री टू डू वाट एवर वी लाइक, वी आर फ्री टू डू, वी आर फ्री, हम स्वतंत्र हो जाते हैं टू डू करने के लिए वाट एवर वी लाइक, जो कुछ भी हम पसंद करते हैं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी बाधा के, हम बिना किसी बाधा के जो हम पसंद करते हैं करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर टू, इट इज एनफ से लेकर द कोर्ट अवार्ड्स इट तक। रेफरेंस, रेफरेंस वही रहेगा जो पहले एक्सप्लेनेशन का है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग। हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स, यहाँ लेखक वर्णन करता है हाउ ही वॉज एनॉयड, कि कैसे वह नाराज हो गया था, विद द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो से, मच्छर से, एंड ट्राई टू किल इट, और कैसे उसने इसको मारने की कोशिश की। यहाँ लेखक वर्णन करता है कि कैसे वह मच्छर से नाराज हो गया था और कैसे उसको मारने की कोशिश की। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर टोल्ड अस, लेखक ने हमें बताया दैट ही वॉज वेरी एंग्री, कि वह बहुत नाराज था विद द बिहेवियर ऑफ द मॉस्किटो, मच्छर के व्यवहार से। इन पंक्तियों में लेखक ने हमें बताया कि वह मच्छर के व्यवहार से बहुत नाराज था। ही सेड दैट, उसने कहा कि देयर वॉज ए लिमिट, एक सीमा होती है, एक सीमा है ऑफ हिज जेनरोसिटी, उसकी सज्जनता की, उसने कहा कि उसकी सज्जनता की एक सीमा है। ही हैड गिवन वार्निंग, वह चेतावनी दे चुका था टू द मॉस्किटो, मच्छर को, टू टाइम्स, दो बार, वह मच्छर को दो बार चेतावनी दे चुका था। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। ही वॉज ए स्पेशल पर्सन, वह एक विशेष व्यक्ति था। ही वॉज ए रेस्पेक्टेबल पर्सन, वह एक सम्मानित व्यक्ति था। सो ही डिड नॉट लाइक द रूडनेस एंड डिसरेस्पेक्ट ऑफ ए स्ट्रेंजर, सो इसलिए ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता था द रूडनेस, अभद्रता को, एंड डिसरेस्पेक्ट, और ए सम्मान को, ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के, इसलिए वह एक अजनबी की अभद्रता और ए सम्मान को पसंद नहीं करता था। दस द राइटर थॉट हिमसेल्फ ए जज, इस प्रकार लेखक ने अपने आप को एक जज मान लिया, एक न्यायाधीश मान लिया। एंड सेंटेंस्ड इट टू डेथ, और उसको मृत्युदंड दे दिया। ही थॉट दैट इट वॉज जस्टिफाइड, ही थॉट, उसने सोचा दैट इट वॉज जस्टिफाइड, कि ये न्यायोचित था टू किल ए मॉस्क्यूटो, मच्छर को मारना, उसने सोचा कि मच्छर को मारना न्यायोचित था। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, दो तरह से आ जाता है, इट वॉज ऑल इन वेन से लेकर स्पिरिट ऑफ द फेलो तक, या ही प्लेड विद मी से लेकर स्पिरिट ऑफ द फेलो तक। थोड़ा सा आगे पीछे कर कर दे देते हैं। रेफरेंस, इसका रेफरेंस भी
सेम रहेगा जैसे पैराग्राफ नंबर वन का था। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स, या लेखक वर्णन करता है हाउ द मॉस्किटो वांटेड, कि कैसे मच्छर चाहता था टू प्ले, खेलना, एंड एन्जॉय, और आनंद मनाना, इट्सेल्फ, खुद, बाय डिस्टर्बिंग हिम, उसको परेशान करके। यहाँ लेखक वर्णन करता है कि कैसे मच्छर अपने आप में खेलना और आनंद मनाना चाहता था उसको परेशान करके। एक्सप्लेनेशन व्याख्या, द राइटर ट्राइड टू किल द मॉस्किटो, लेखक ने मच्छर को मारने की कोशिश की, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। इन ऑल हिज अटेम्प्ट, अपने सभी प्रयासों में, लेखक ने मच्छर को मारने की कोशिश की, लेकिन वह अपने सभी प्रयासों में अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। द मॉस्किटो प्लेड विद द राइटर ओपनली, द मॉस्किटो प्लेड, मच्छर खेला विद द राइटर, लेखक के साथ, ओपनली, खुलकर, एंड करेजियसली, और साहस के साथ। मच्छर लेखक के साथ खुलकर और साहस के साथ खेला। इट सीम्ड दैट द मॉस्किटो वॉज एंजॉइंग द फाइट, इट सीम्ड, ऐसा लगता था दैट द मॉस्किटो, की मच्छर वॉज एंजॉइंग, आनंद मना रहा था, द फाइट, लड़ाई का, ऐसा लगता था कि मच्छर लड़ाई का आनंद मना रहा था। इन दिस गेम, इस खेल में, द मॉस्किटो वॉज लाइक एन एक्सपर्ट मेटाडोर, मच्छर एक योग्य मेटाडोर के समान था। मेटाडोर का मतलब बुल फाइटर, सांड से लड़ने वाले, मेटाडोर कहते हैं जो सांड से लड़ते हैं, सांड को घुमाते रहते हैं चारों ओर, उसको कहते हैं मेटाडोर। इन दिस गेम, इस खेल में, द मॉस्किटो वॉज, मच्छर था लाइक एन एक्सपर्ट मेटाडोर, एक प्रशिक्षित मेटाडोर के समान। एंड द राइटर वॉज लाइक एन एंग्री बुल, और लेखक एक नाराज सांड के समान। इस खेल में मच्छर एक एक्सपर्ट मेटाडोर के समान, एक योग्य वृष हंता के समान था, और लेखक एक नाराज सांड के समान था। द मॉस्किटो अवॉइडेड ऑल हिज अटैक्स, मच्छर बच गया, ऑल हिज अटैक्स, उसके सभी आक्रमणों से, मच्छर उसके सभी आक्रमणों से बच गया, वेरी इजीली, बहुत आसानी से। इट हैड डिस्टर्ब्ड, ये भंग कर चुका था, द राइटर्स पीस ऑफ माइंड, लेखक के मस्तिष्क की शांति को, ये लेखक के मस्तिष्क की शांति को भंग कर चुका था। इट वॉन्टेड टू प्ले सम स्पोर्ट, ये कुछ खेल खेलना चाहता था, एंड हैव सम एंटरटेनमेंट, और कुछ मनोरंजन करना चाहता था, ये कुछ खेल खेलना चाहता था और कुछ मनोरंजन करना चाहता था। इट लाइक्ड सच ए स्पोर्ट, ये एक ऐसा खेल पसंद करता था, इन विच इट वॉज बीइंग चेज, जिसमें इसका पीछा किया जा रहा हो, बाई ए हैवी एंड ह्यूज विंडमिल लाइक एनिमल, एक भारी विशाल पवन चक्की के समान जानवर द्वारा। ये एक ऐसे खेल को पसंद करता था जिसमें इसका पीछा एक भारी भरकम पवन चक्की के समान जानवर द्वारा किया जा रहा हो। इट लाइक्ड द टेस्टी ब्लड ऑफ हिम, ये उसके स्वादिष्ट खून को पसंद करता था। इट थॉट हिम हेल्पलेस एंड फूलिश, ये उसको निस्सहाय और मूर्ख सोचता था। नाउ द राइटर चेंज्ड हिज एटीट्यूड, अब लेखक ने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया, टुवार्ड्स द मॉस्किटो, मॉस्किटो की तरफ से, अब लेखक ने अपने दृष्टिकोण को मॉस्किटो की तरफ से, मच्छर की तरफ से बदल लिया। इट वॉज नॉट सिंपली एन इंसेक्ट, अब यह साधारण रूप से एक कीट नहीं था, फॉर हिम, उसके लिए, नाउ मीन्स अब यह उसके लिए केवल एक साधारण रूप से एक कीट नहीं था। द राइटर नाउ बिगन टू फील, अब लेखक ने महसूस करना शुरू कर दिया, दैट द मॉस्किटो वॉज ए पर्सनैलिटी, कि मच्छर एक व्यक्तित्व था, हु हैड एनफ सेंस, जो काफी समझ रखता था। अब लेखक ने
महसूस करना शुरू कर दिया कि मच्छर एक व्यक्तित्व था जो काफी कुछ समझ रखता था। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी से लेकर आई डू इट तक रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, हेयर द राइटर वॉन्ट्स, यहाँ लेखक चाहता है टू रिकवर, पुनः प्राप्त करना हिज प्रेस्टीज, अपने गौरव को, बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, एंड जेनरस और सज्जन होकर, टू हिज फेलो ट्रेवलर द मॉस्किटो, अपने सहयात्री मच्छर के प्रति। यहाँ लेखक अपने सहयात्री मच्छर के प्रति दयावान और सज्जन होकर अपने गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहता है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या, इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट जेनरोसिटी एंड सिंपैथी, की सज्जनता और सहानुभूति आर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज, महानतम गुण होते हैं ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि सज्जनता और सहानुभूति एक व्यक्ति के महानतम गुण होते हैं। सो ही फेल्ट, इसलिए वह महसूस करता था दैट बाय फॉलोइंग दीज क्वालिटीज, कि इन गुणों का अनुसरण करके ही कुड रिकवर, वह पुनः प्राप्त कर सकता था हिज रेस्पेक्ट, अपने सम्मान को। इसलिए वह महसूस करता था कि इन गुणों का अनुसरण करके वह अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट ही वॉज ए फूलिश पर्सन, वर्तमान में वह एक मूर्ख व्यक्ति था। ही वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफ्टर एंड फन, वह हंसी और मजाक का पात्र था। ही थॉट बाई बीइंग मर्सीफुल ही कुड गेट हिज मॉरल डिग्निटी, ही थॉट, उसने सोचा, बाई बींग मर्सीफुल, दयावान होकर, ही कुड गेट, वह प्राप्त कर सकता था हिज मॉरल डिग्निटी, अपने नैतिक गौरव को। उसने सोचा कि दयावान होकर वह अपने नैतिक गौरव को प्राप्त कर सकता था। ही कुड गेट अगेन हिज ऑनर, वह अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता था। दस ही गेव अप द आइडिया ऑफ किलिंग द मॉस्किटो, दस इस प्रकार ही गेव अप, उसने त्याग दिया द आइडिया ऑफ किलिंग द मॉस्किटो, मच्छर को मारने का विचार। इस प्रकार उसने मच्छर को मारने के विचार को त्याग दिया। फाइनली, आखिरकार, ही कैंसिल्ड, उसने स्थगित कर दिया द पनिशमेंट ऑफ द मॉस्किटो, मच्छर के दंड को। और आखिरकार उसने मच्छर के दंड को स्थगित कर दिया एंड रिटर्न टू हिज सीट, और अपनी सीट पर लौट गया। आखिरकार उसने मच्छर के दंड को स्थगित कर दिया और अपनी सीट पर लौट गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी दो तरह से आ जाता है, द मिरेकल ऑफ लाइफ से लेकर इन टू द नाइट अगेन तक, या द ओब्लिगेशन से इन टू द नाइट अगेन तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना इसे। रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, हेयर द राइटर कंपेयर्स, यहाँ लेखक तुलना करता है लाइफ, जीवन की, टू ए जर्नी, एक यात्रा से। यहाँ लेखक जीवन की एक यात्रा से तुलना करता है। ही स्पीक्स ओवर द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, वह जीवन के रहस्यों पर बोलता है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या, द राइटर डेवलप्स, लेखक विकसित करता है एन अफेक्शन, एक स्नेह फॉर द मॉस्किटो, मच्छर के लिए। लेखक मच्छर के लिए एक स्नेह विकसित करता है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है दैट दे हैव एंटरटेन्ड, कि वे मनोरंजन कर चुके हैं ईच अदर, एक दूसरे का। वह विश्वास करता है कि वे एक दूसरे का मनोरंजन कर चुके हैं। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, दे आर ओब्लाइज्ड,
वे आभारी हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। और इस तरीके से वे एक दूसरे के लिए आभारी हैं। वह विश्वास करता है कि वे एक दूसरे का मनोरंजन कर चुके हैं और इस तरीके से वे एक दूसरे के लिए आभारी हैं। ही सेज, वह कहता है, दैट लाइफ इज फुल ऑफ फैक्ट्स, कि जीवन तथ्यों से भरा हुआ है, एंड सीक्रेट्स, और रहस्यों से भरा हुआ है। वह कहता है कि जीवन तथ्यों और रहस्यों से भरा हुआ है। लाइफ इज ए मिस्ट्री, जीवन एक रहस्य है, टू बोथ ऑफ देम, दोनों के ही लिए। जीवन दोनों के लिए एक रहस्य है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, द बिगिनिंग, शुरुआत, एंड द एंड, और अंत ऑफ लाइफ, जीवन का, कोई जीवन की शुरुआत और अंत को नहीं जानता। वी टेक बर्थ, हम जन्म लेते हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, बट डू नॉट नो, लेकिन नहीं जानते, फ्रॉम वेयर वी हैव कम, कि कहाँ से हम आए हैं, एंड वेयर वी हैव टू गो, और कहाँ हमें जाना है, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। हम इस संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। दे आर लाइक ए घोस्ट, वे तो एक प्रेत के समान हैं। दैट अपियर्स, एस लगा लीजिए अपियर में, दैट अपियर्स, जो प्रकट होता है, इन द नाइट, रात में, एंड डिसअपियर्स, इसमें भी एस लगा लीजिए, छूट गया है, और गायब हो जाता है, इन द डे, दिन में। दे आर लाइक ए घोस्ट, वे तो एक प्रेत के समान है, दैट अपियर्स इन द नाइट, जो रात में प्रकट होता है, एंड डिसअपियर्स इन द डे, और दिन में गायब हो जाता है। वे तो एक भूत के समान है, जो रात में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, और दिन में गायब हो जाता है। दस देयर लाइफ इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, इस प्रकार उनका जीवन भी बहुत छोटा है, लाइक ए घोस्ट, एक प्रेत के समान। इस प्रकार उनका जीवन भी एक प्रेत के समान बहुत छोटा होता है। इट इज़ द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई शेल ट्राई टू सोल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शेल टीच यू एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।